हेलो फ्रेंड्स, मूवी एक रीमेक नेक के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी बॉडीगार्ड की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और उसके अन्य भाषाओं में किए गए रीमेक के बारे में जानेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। बात करें ओरिजिनल बॉडीगार्ड मूवी की तो यह 2010 की मलयालम लैंग्वेज की एक्शन कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी के लीडिंग स्टार कास्ट में सुपरस्टार दिलीप, लेडी सुपरस्टार नयनतारा हमें दिखाई दी थी और मूवी का डायरेक्शन किया था जाने माने मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर सिद्दीकी ने। और इस मूवी की स्टोरी में हमें दिलीप सर बॉडीगार्ड की भूमिका में दिखाई दिए थे और इसमें एक नॉटी, फनी और एक्शन से भरपूर बॉडीगार्ड की लव स्टोरी को दिखाया गया था। मूवी में कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिले थे जिसे दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और यह जब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में रिलीज हुई थी तो उस समय इस मूवी का बजट था 40 लाख और इसने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 30 करोड़ का कलेक्शन किया था और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। और इसके मलयालम ऑडियंस द्वारा इतने टारमेंटस रिस्पॉन्स के बाद इस मूवी का तमिल, हिंदी, कन्नड़ा और तेलुगु में रीमेक किया गया था। तो चलिए अब उनके बारे में जानते हैं और उनका बॉक्स ऑफिस वर्डिक्ट जानते हैं कि यह वह मूवीज बॉक्स ऑफिस पर कैसी रही थी। बॉडीगार्ड मूवी का फर्स्ट रीमेक किया गया था तमिल लैंग्वेज में जिसका नाम था कावालन, जो 2011 की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी मूवी थी। मूवी के लीडिंग स्टार कास्ट में थलपति विजय, असिन और मीथा कुरियन दिखाई दी थी और मूवी का डायरेक्शन किया था सिद्दीकी सर ने ही। और तमिल फिल्म ऑडियंस को यह मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि इससे पहले थलपति विजय सर की सूरा मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित। इस मूवी का बजट था तकरीबन 30 करोड़ से 35 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर 90 करोड़ का कलेक्शन किया था और कलेक्शन के हिसाब से पोंगल फेस्टिवल पर यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद विजय सर ने एक से एक बेहतरीन मूवीज बॉक्स ऑफिस पर दी थी। और बॉडीगार्ड मूवी का सेकेंड रीमेक किया गया था हिंदी लैंग्वेज में और उसका नाम भी बॉडीगार्ड रखा गया था, जो 2011 में एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी के तौर पर रिलीज हुआ था। इस मूवी के लीडिंग स्टार कास्ट में मेगा स्टार सलमान खान, करीना कपूर और हेजल कीस दिखाई दी थी। इस मूवी को हिंदी ऑडियंस ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और इसमें सलमान खान सर की एक्टिंग और मूवी के कई गानों को एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था। हालांकि यह मूवी एक रीमेक थी लेकिन इसका टेस्ट और इसकी ऑडियंस इसे एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं और दर्शकों के जहन में यह मूवी आज भी बसी हुई है। इस मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 60 करोड़ और जिसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था 235 करोड़ का और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। और इसी के साथ ही यह सलमान खान सर के करियर की बैक टू बैक थर्ड ब्लॉकबस्टर मूवी भी बनी थी। और बॉडीगार्ड मूवी का थर्ड रीमेक किया गया था कन्नड़ा लैंग्वेज में, यह भी सेम नाम बॉडीगार्ड से ही रिलीज किया गया था, जो 2011 की रोमांटिक एक्शन कॉमेडी मूवी थी। मूवी के लीडिंग स्टार कास्ट में कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार जगेश और उनके साथ हमें डेजी शाह दिखाई दी थी और इस मूवी को कन्नड़ा फिल्म ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। और इस मूवी का बजट था तकरीबन 3 लाख और इसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 3 करोड़ का और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। लंबे समय के बाद जगेश सर ने कोई बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म दी थी। और बॉडीगार्ड मूवी का फोर्थ रीमेक किया गया था तेलुगु लैंग्वेज में और वह भी सेम नाम से बॉडीगार्ड से ही बनाया गया था, जो 2012 की एक्शन रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी। मूवी के लीडिंग स्टार कास्ट में हमें दिखाई दिए थे डगोपति वेंकटेश और उनके साथ त्रिशा कृष्णन और इस मूवी का डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर गोपी चंद मालिनेनी ने। और इसमें डगोपति वेंकटेश के कई एक्शन सीन्स और उनके बेहतरीन पंच डायलॉग को तेलुगु फिल्म ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इस मूवी का बजट था तकरीबन 25 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था 55 करोड़ का और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। और डगोपति वेंकटेश की एक्टिंग के लिए उन्हें नंदी अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ये था मूवी एक रीमेक नेक में बॉडीगार्ड और उसके आल लैंग्वेजेस के रीमेक की लिस्ट। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इन सब मूवीज में से आपको कौन सा रीमेक सबसे ज़्यादा पसंद आया था या ओरिजिनल मूवी पसंद आई थी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी दबा लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप बन रही हैं हमारे साथ। धन्यवाद।